एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है टू बीन्स लाइफ विंस। और ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक कैंपेन है जो कि रतन टाटा उनकी तरफ से ये स्टार्ट हुई है और उनके जो ट्रस्ट है टाटा ट्रस्ट मतलब उनकी तरफ से ये कैंपेन जो है ये प्लान की गई है। एनीवे पहले देख लेते हैं हम वीडियो, देन वी विल डिस्कस कि हम लोगों को कैसी लगी। उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, देन वी विल डिस्कस कि हम लोगों को कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो। जंग लड़कर आता है। मेरा बाबा देश चलाता है। अगर नहीं जाएगा मेरा बाबा काम पर तो रुक जाएगा इंडिया का हर घर। ना बनेगा खाना, ना होगा नहाना, सड़कों पे मच जाएगी भगदड़। बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, ना ही डॉक्टर अस्पताल, मंत्री मंत्रालय नहीं पहुंचेंगे और पूरे देश का हाल हो जाएगा बेहाल। क्या हो सकता है? हम सबकी जिंदगी को आसान बनाता है। मेरा बाबा वो काम करता है जो देश का कोई भी बाबा करना नहीं चाहता। मेरा बाबा देश चलाता है। ओके। क्योंकि देश अपना गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करता। मेरा बाबा कचरा, गटर और बीमारियों के अंदर जाता है और बहुत बीमार होकर निकलता है। कभी कभी लगता है मेरा बाबा बीमारी से हार जाएगा। कभी कभी लगता है बाबा लौट के घर नहीं आएगा। मेरे बाबा को बचाओ, इस देश को सिर्फ मेरे बाबा से मत चलवाओ, क्योंकि देश को देश का हर आदमी चलाता है। क्योंकि देश को देश का हर आदमी चलाता है। वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो जो है वो बहुत एक अच्छा मैसेज दे रही है। अगर हम देखें वीडियो की, अगर सीक्वेंस वाइज देखें, जिस तरह बच्चा जो है अपने बाप की जो तारीफ कर रहा था, अगर उसे हम अपने रियल लाइफ में देखें तो हमारे जो हमारा समाज है ना, हमारे समाज में इस तरह के लोगों को हम शायद कोई जगह नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम इस वीडियो की बात करें तो हम लोगों को दो मैसेज मिलते हैं। पहला मैसेज, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो बच्चा है वो बता रहा है, अपने क्लासमेट्स को बता रहा है कि मेरे बाबा के काम करने से ये देश चलता है, यानी कि अगर वो काम ना करें तो वो एक मतलब एक यू नो जैसे जैसे वो बताते जा रहे थे एक क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी कि ये कौन सा काम है। बीच में हम लोगों ने स्वीपर भी बोला तो, लेकिन ये कि बाद में हम लोगों को जो मतलब पता चला वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो बेसिकली एक तो वाकई में मौजा वाली बात ठीक है कि हम लोग
उस तरह से आई थिंक रिस्पेक्ट नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, वो जगह नहीं दे पाते जो कि वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो भी हम जैसे लोग हैं. और हम लोग क्यों ये चीज भूल जाते हैं कि हम लोग प्रोफेशन से किसी को यू नो रिस्पेक्ट करना शुरू करें. और सेकंड चीज जो कि मुझे लगा कि इसमें जो एक मैसेज दिया गया वो ये कि लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको मतलब किस तरीके से उनकी रोकथाम हम लोग कर सकते हैं कि उन पर हम लोग बर्डन ना डालें. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. अभी मैं थोड़ी सी चीज और कहना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल जब हम किसी ऐसे रोड से गुजरते हैं जहां पे जो है गटर बंद हो, तो हमारी मोस्टली कोशिश ये होती है कि हम जो है अपना रास्ता चेंज कर लें. तो ऐसे लोगों की जो ये काम करते हैं उनकी हिम्मत है, उन्हें सल्यूट करना चाहिए कि वो आते हैं उस गंदे पानी में जाते हैं और आपके गटर्स को साफ करते हैं. और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ऐसी चीजें जिससे जो है गटर के रास्ते बंद हों, खासतौर पर लिफाफे या पैम्पर्स या प्लास्टिक हाँ चीज बिल्कुल वुडन चीज हो गई जो जिसका कहना जो डिसॉल्व ना हो सके उसमें ब्लॉक कर उन चीजों को, तो मुझे वो बिल्कुल जो है वो ऐसी जगह रिसाइकल करनी चाहिए जहां से उन्हें आगे कहीं पहुंचा दिया जाए, ना कि उन्हें गटर्स में फेंक देना चाहिए या नालियों में फेंक देना चाहिए कि गटर बंद हो उनका पानी हर जगह फैलना शुरू हो जाए. और फिर ये देखो जैसे वीडियो में दिखाया भी कि गटर बंद होता है वो वहां से वेस्ट जोन्स है वो निकालते हैं, उनको इतने गंदे पानी के अंदर जाना पड़ता है और जैसे यू नो बिल्कुल अंदर चले गए थे, तो मतलब वो बहुत ज्यादा एक यू नो दिल को मतलब कुछ हो रहा था. इंसान है, वो भी इंसान है, उनको भी बीमारियां लग जाती हैं. हम लोग जो उनसे हैं कि बहुत ज्यादा वो होते हैं कि हमें ये ना हो जाए, हमें वो ना हो जाए, वो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर, मुझे लगता है वो अपनी जान की बाजी एक्चुअल में लगाते हैं और वो हमारे लिए इतनी ज्यादा सर्विसेज देते हैं. और ऑनेस्टली मुझे ये इतनी अच्छी वीडियो लगी है कि ये बहुत अच्छी कैंपेन है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ऐसे ही आती है. तो बेसिकली मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि हम लोगों को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करनी चाहिए चीजें और उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी कि हम एक आम आदमी को अपनी लाइफ में देते हैं जो कि बहुत ही एक अच्छी पोस्ट में. तो ये जो एक अवेयरनेस लोगों में लाई जाती है ना थ्रू वीडियोस मतलब एड्स बना के या मूवीज के थ्रू, मुझे लगता है कि ये हमेशा से कि बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है कि आप लोगों में अवेयरनेस देते हो. और सीरियसली पता नहीं क्यों मुझे जब भी मैं इंडियन एड्स देखती हूँ मुझे इंडियन एड्स बहुत अच्छे इसीलिए लगते हैं कि वो कोई ना कोई मैसेज देते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी सोसाइटी का. बिल्कुल सही बात है. खास तौर पर जैसे लास्ट ईयर बात की जैसे सर्फ एक्सेल की एड आई थी तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया था. इसके अलावा और भी बहुत सारी एड्स हैं, कुछ एड्स ऐसी सर्फ एक्सेल की एड पर मैंने देखा था कि बाद में कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो गई. हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना जब आप कोई अच्छा मैसेज देखते हो, ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि जब आप कोई अच्छा मैसेज देखते हो ना तो उसमें से कोई नेगेटिविटी मत निकालो. मतलब ठीक है एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, लोग अच्छे से प्यार से. फिर इसके बाद हम लोगों ने चाय वाला देखा था, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था. कोई किसी को अच्छा बुरा नहीं दिखा सकता जब तक कि आपकी ये चीज उनसे अच्छी और बुरी ना सोचे. तो सीरियसली मैं हमेशा ही बोलती हूँ और मौजम भी, हम दोनों ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि वीडियोस बनाने के बाद हमारी सोच बहुत ज्यादा चेंज हुई बहुत सारी चीजों में. इंडियन अगर एड्स की बात की जाए ना, कुछ एड्स ऐसी भी होती है जो नहीं हमें पसंद आती, लेकिन मोस्टली अगर इंडियन एड्स के कॉन्सेप्ट देखे जाए ना, उनके कॉन्सेप्ट्स में जरूर कोई ना कोई मैसेज होता है और वो आपको यहाँ से जो है ना फील करवाती है कि ये एड आप खुद भी देखें, दूसरों को भी शेयर करें. इवन के समटाइम्स इस तरह भी होता है कि मुझे अगर कोई एड अच्छी लगे तो मैं अपने फेसबुक स्टेटस पे भी डाउनलोड करके लगा व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेता हूँ. अच्छा, और मजे की चीज ये कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक बच्चा अपने फादर की स्टोरी बता रहा है, वो किस चीज को लेकर दुखी है वो चीज वो बता रहा है और वो उन सब लोगों के बीच में के मतलब जो पता नहीं उनको अच्छा समझते हैं या नहीं या कोई डिफरेंस रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन ये है कि वो उनको ये बता रहा है कि उसके फादर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस देश को चलाने के लिए, कि अगर वाकई में वो काम ना करें तो फिर मेरा ख्याल में वाकई में हर चीज रुक जाएगी एक मुल्क, हर जगह पानी पानी होगा अगर जैसे. और वाकई में ऐसा होता भी है, तुम्हें पता है ना कि जब मतलब यू नो अगर हम लोग यही इमेजिन कर लेंगे चलें जी शॉर्ट एग्जांपल मैं इसकी देता हूँ कि जैसे बरसात का मौसम आता है, मॉनसून स्टार्ट होता है, तो गटर्स जो है वो वैसे फुल हो जाते हैं. फिर उसके बाद जो सैनिटेशन वाले आते हैं वो आते हैं
पानी भर भर के जो उन्होंने ट्रक्स रखे होते हैं उसमें लेकर जाते हैं, तो ये इसकी एक एग्जांपल है। तो हम लोग भी यही बात बोलेंगे कि हम सबको इक्वली सबको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, रिक्वेस्ट यानी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से सोच जब बदलेगी सोसाइटी भी बदलेगी। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इजाजत, हमारे वीडियोस करें लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स।